आज की दुखद पूर्ण घटना, सदर अस्पताल में प्रसूता की मौत, परिजनों ने लगाया लापरवाही का आरोप। नवादा सदर अस्पताल के गेट पर ही प्रसव हो गया, बाद में प्रसूता को अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन हालत ज़्यादा खराब होने के कारण महिला की मौत हो गई। वहीं मौत की इस घटना के बाद परिजनों ने ड्यूटी पर तैनात चिकित्सक व स्वास्थ्य कर्मियों पर लापरवाही का आरोप लगाया है, साथ ही इलाज के लिए नाजायज राशि मांगने का भी आरोप लगाया। मृतिका पूनम देवी अकबरपुर प्रखंड क्षेत्र के गोसाई बिघा निवासी बबलू सपेरा की पत्नी थी। मृतिका के ससुर सिकंदर सपेरा ने बताया कि रात में बहू प्रसव पीड़ा से कराने लगी, तब ई रिक्शा से लेकर उसे सदर अस्पताल पहुंचे। इसी दौरान अस्पताल के गेट पर ही प्रसव हो गया। जच्चा बच्चा को फौरन अस्पताल में भर्ती कराया। ड्यूटी पर तैनात चिकित्सक डॉक्टर मधु सिन्हा ने भर्ती करने को कहा। इसके बाद ब्लड चेक कराया, 8 ग्राम खून होने की बात कही गई। तब परिवार वाले खून देने को भी तैयार थे, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि खून चढ़ाने की जरूरत नहीं है, सुई व दवा से ही ठीक हो जाएगा। पर रात में तबीयत काफ़ी बिगड़ गई। डॉक्टर व स्वास्थ्य कर्मियों को देखने को बोला तो कोई देखने को तैयार नहीं हुए। अंततः बहू की मौत हो गई। वहीं प्रसव वार्ड में अन्य मरीज के परिजन ने आरोप लगाते हुए कहा कि सुई लगाने के नाम पर 100 रुपये की मांग की गई थी, रुपये नहीं देने पर इलाज में लापरवाही की गई। इधर मृतक के परिजन ने महिला प्रसूति वार्ड में घुसकर नर्स के साथ मारपीट किया।